गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्थिति का परिचय। व्हेन द पेशेंट इज कम्स आफ्टर द डिलीवरी, आपको किस तरह से ट्रीटमेंट्स को प्लान करना है और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से आपने किन किन चीजों को देना है। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। देखो, स्थिति का परिचर्या में हमें पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एब्डोमिनल को देखना है, नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है। नॉर्मल डिलीवरी में आप विद इन 5 डेज के बाद ही आप उसका गैंगवन स्टीम स्टार्ट कर सकते हो पेशेंट का। इसमें और पेशेंट की प्रगति के अकॉर्डिंग आपको असेस करना है। अगर पेशेंट की पित्त प्रगति है तो आप उसको अभ्यंगम ही दीजिए, और अगर वात प्रगति है तो अभ्यंगम के साथ स्टीम दे सकते हो और पीपीएस दे सकते हो। इसके बाद 45 डेज तक हमें लगातार स्थिति का परिचर्या को पेशेंट से फॉलो करवाना होता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग चीज़ों का समराइज किया है बुक्स में, बट जब आप क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हो तो आपको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रीटमेंट्स को फॉलो करवाना होता है। देखिए, सिजेरियन सेक्शन के बाद मैक्सिमम लोग जो हैं वो मसाजेस को अडेप्ट नहीं करते हैं, बट आप लोअर एब्डोमेन को छोड़ के हैंड्स की और एक्सट्रीमिटीज की मसाजेस आप दे सकते हो, लोअर लेग्स की, हैंड्स की और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ पंचकर्म में और कौन कौन से प्रोसीजर जो है वो फॉलो करवाए जा सकते हैं। इसमें षष्ठी का शाली पिंड स्वेदन पेशेंट को एडवाइस किया जा सकता है, पत्र पोटली पिंड स्वेदन एडवाइस किया जा सकता है। हमें 2 तरह के ट्रीटमेंट्स को मैनेज करना होता है। एक प्रिवेंटिव मैनेजमेंट देखनी होती है सूतिका में, क्योंकि 45 डेज इज अ प्रीशियस टाइम जिसमें हमें धातु का जो क्षय हो गया होता है बॉडी में, उसी धातु से को हमें दोबारा से रिजुविनेट कंडीशन में लेके आना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उन चीजों को फॉलो करवाते हैं पेशेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी डाइट देंगे, डाइट में हम पंचफोल चूर्ण को या त्रिकटू चूर्ण को रेगुलर एड ऑन करेंगे। तो स्टार्टिंग के 7 डेज रहते हैं उसमें डाइट बिल्कुल ही लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में ही डाइट एडवाइस करनी चाहिए पेशेंट को। सो यू कैन मेक ए चार्ट ऑल्सो, जैसे गर्भ संस्कार का हम एक चार्ट बना के पेशेंट को फॉलो करवाते हैं। जैसे ऑलरेडी जो हमारे कुछ लास्ट ईयर के डॉक्टर्स हैं तो मैंने एक चार्ट प्रोवाइड करवाया था। सो गर्भ संस्कार में हम जैसे चार्ट बना के प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिसमें हम पूरा 9 मंथ्स के रिजीम के अकॉर्डिंग कौन से डाइट्स लेने हैं, कौन सा योगासन करना है, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण एट द टाइम ऑफ द कंसेप्शन से लेके ड्यूरेशन टिल द डिलीवरी तक कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। सो सिमिलर लाइक दैट आफ्टर द पोस्टमार्टम पीरियड्स में हमें पेशेंट को जो उसका रूम है उसमें भी, जैसे आजकल जितनी भी डिलीवरीज होती है मैक्सिमम एसीज के अंडर होती है, बट आयुर्वेदा में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के अंडर लिया गया है। आपको निवास स्थान में रहना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोज टू द एयर नहीं करना है। देखिए, अभी आप जो मॉडर्नाइज तरीका है पेशेंट को एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट इस भी सिटीज में वो लोग रहते हैं, वहाँ का एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या है इसके ऊपर हमें असेसमेंट देखना होता है। अगर वहाँ का एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से पेशेंट जो है वो हिमाचल में कोई ऐसे एरियाज में उत्तराखंड में रह रहा है जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बट जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर कोई पेशेंट है तो वो उसको उसके रूम के टेम्परेचर को हमने विद एसी भी 30 डिग्री तक हम उसको मेंटेन्ड करके लेके जाएंगे। बहुत चिल्ड टेम्परेचर पे उस पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी हमें नहीं रखना होता है। सो आई विल शेयर यू द स्लाइड्स जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी गवर्नमेंट की हुई हैं जिसमें सूती का परिचर्या को अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल जो ऑथर जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था और जो नॉर्मली आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। सो यू कैन चूज द पैरामीटर जिसमें पेशेंट की जो रेगुलर उसका पेशेंट उस चीज को फॉलो कर सके। हमें पेशेंट को वो चीजें नहीं बतानी है, क्लासिकली हमें इसको परफॉर्म करना है, बट इट शुड बी इजी। हमें मॉडर्नाइज्ड आयुर्वेदा में पेशेंट को मतलब चीजों को इतना इजी करके उसको सर्व करना है ताकि वो उन चीजों को फॉलो कर सके। सो जो मेन टाइम पीरियड रहता है विद इन द जो फर्स्ट वीक से लेके हमारे जो 45 डेज का टाइम पीरियड रहता है उसमें हमें पार्ट टू पार्ट उसको फॉलो करवाना होता है। सो ऑलरेडी IMA की रिसर्च है, या आई विल टीच यू फ्रॉम दैट रिसर्च ओनली कि किस तरह से सूती का परिचर्या को आप फॉलो कर सकते हैं पेशेंट में।
सुसूति का परिचर्या में जो भी हमें न्यूट्रिशियस डाइट पेशेंट को एडवाइज करनी है और उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी का रेफरेंस है, देखिए जो हमारी बॉडी के तीनों दोष है, इसको बात पित्त कफ, जब भी आफ्टर द डिलीवरी वायु दोष का विशेषण होता है और अपान बात वजह से कई बार फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन पेन में परप्यूरियम फंगल इन्फेक्शन, यूटीआई, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट्स सफर करता है। सो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी के बाद आपको पेशेंट को अवगाहा स्वेदन के बारे में एडवाइस करना है। अवगाहा स्वेदन क्या रहता है, इसमें आपको एक टब लेना है और टब में आपको कम से कम पेशेंट को हाफ ऑफ द बकेट उसमें पानी को ऐड करना है और इसमें आप सफोटिक भस्म से, हल्दी से, नीम से, त्रिफलादि या पंचवल्कल क्वाथ से इन ड्रग्स को डाल के, पंचवल्कल क्वाथ में जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं, वट, दुम्बर, पलाश, इन सब चीजों के काढ़े को डाल के अवगाहा स्वेदन दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देता है। अगर किसी भी पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरीज के बाद इन्फेक्शन का जो कंसिस्टेंसी होती है, ये उसको भी रिड्यूस करता है। सो अवगाहा स्वेदन कंटिन्यूस टिल द 15 डेज तक आप पेशेंट को एडवाइज करना है और इट शुड बी 1 or 2 times इन अ डे, दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। नेक्स्ट कम्स टू द प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, क्या क्या कंडीशंस जो है वो पेशेंट को आ सकती हैं। मैक्सिमम जो है सूतिका ज्वर, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन जो आफ्टर डिलीवरी पेशेंट सफर करता है। सूतिका ज्वर में आचार्यस ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने इसके बारे में बताया है, इसको अभ्यंतर और बाहरी चिकित्सा हमने देनी है। आफ्टर डिलीवरीज आपने ब्रेस्ट की केयर करना है, लोकल वोंड की केयर करनी है। अगर किसी को एपिस्टॉमी हुई है सुनो प्राइमरी डिलीवरीज के बाद, तो उसकी एपिस्टॉमी की केयर कैसे करते हैं। से एलोपैथिक में नॉर्मली तो आप टी बैग ऑइंटमेंट या बिटाडीन से क्लीनिंग करते हो, बट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से आप पेशेंट को लगातार सीज बाथ से उसका क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद आप जात्यादि ऑयल को लोकल एप्लीकेशन के लिए एडवाइस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सूतिका ग्रह, जो क्लासिकल्स भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट नाउ अ डेज हाउ यू कैन प्लान फॉर द डिलीवरीज के बाद, कैसे आपने उसको प्लान करना है। डिफरेंट आचार्य ने सूतिका ग्रह के बारे में बताया है, इट शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान फॉर ए हॉस्पिटल। अगर आप गाइन हैं सो यू शुड प्लान अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। आपको जो डिलीवरी रूम है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लेके आना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आती हो, बिकॉज इट गिव्स अ पॉजिटिविटी एंड इट गिव्स अ, जब प्रॉपर सनलाइट एक सूतिका के रूम में आती है तो जितना भी इन्फेक्शियस कंडीशन है वो सब चीजें सबसाइड हो जाती है। फुल वेंटिलेशंस उसको हमें प्लान करना है। नेक्स्ट जब भी आप पेशेंट को ड्रग्स के बारे में एडवाइस करते हैं, तो ड्रग हमें कौन कौन से ड्रग्स को यूज करना है। दीपनी, जितने भी दीपनी और पाचनीय ड्रग्स हैं, दीपनी ड्रग्स में आप पिपली ले सकते हो, चव्य, चित्रक, नागर, पंचकोल चूर्ण आता है, तो डायरेक्ट पंचकोल चूर्ण को आप पेशेंट को फर्स्ट डे आफ्टर द डिलीवरी ही एड ऑन करना चाहिए। सरसप्पा को ऐड किया जा सकता है। सौंफ पानी में बॉईल करके, अगर आप किसी ने केरला विजिट किया हो तो केरला में पहले आयुर्वेदिक यूनिट में पानी ही, सौंफ का पानी ही सर्व किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को बस्ती भी देते हो तो वहां जो कलक प्रयोग किया जाता है वो सौंफ का कलक प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है इट हेल्प्स टू डिटॉक्स, हमारी बॉडी में जितने भी अणुओं का संचय होता है ये इसको एक्सपेल करने में हेल्प करता है। सो आप जो पेशेंट को एडवाइस करेंगे, वाटर दैट शुड बी है, सौंफ का पानी और अजवाइन, अजमोदा के पानी को मिक्स करके पेशेंट को देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर पेशेंट की वात प्रगति है, वात कफजा प्रगति है, उसमें आप अदरक शुंठी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट द पित्त प्रगति पेशेंट। तीक्ष्ण उष्ण औषधि को ले सकते हैं। पिपली आदि चूर्ण को लगातार सेवन करवाने से ब्रेस्ट फीडिंग को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है, डिलीवरी के बाद लैक्टेशन नहीं होता या बहुत कम क्वांटिटी ऑफ मिल्क सिक्रीशंस होती है, जो बच्चे को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ द गर्भ संस्कार, जो 9 months की हमने रेजीम दी है, जिसमें हमने पेशेंट को सांठी के चावल, ब्राउन राइस, दूध, खीर,
और अनुवासन बस्ती 8 मंथ में जब हमने प्लान करा था, उसके बाद जो नेक्स्ट आप उसकी बॉडी को प्रिपेयर करोगे आफ्टर द डिलीवरी के लिए, उसमें भी यू हैव टू ऐड ऑल दैट थिंग्स. तो जिसमें जैसे ओल्ड टाइम पे हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत तरह की रेसिपीज बनाई जाती हैं रिच ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बट आजकल फीमेल्स उसको भी नहीं लेती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट लेने से भी हमारी बॉडी में वात एग्रीवेट होता है. अगर आप क्लासिकली आयुर्वेदा में जाएं तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम, अगर आप उसको रूक्ष लेते हो तो रूक्ष गुण होने के कारण ये बॉडी में वात को एग्रीवेट करता है. तो हमें जो भी ड्रग चूज करना है उसका गुण जो है वो स्निग्ध गुण का होना चाहिए और लघु आहार को लेना है, गुरु आहार को नहीं लेना है. अगर ड्राई फ्रूट्स को आप भिगो के ले रहे हो, बादाम को, कैश्यूज को, अंजीर को, मुनक्का को, तो इट गिव्स ए वेरी गुड रिजल्ट्स टू योर पेशेंट. अगर आप उसको ड्राई फॉर्म में पीस के उसका वो लड्डू बना के अगर आप उसको खिला रहे हो तो ये फिर एग्रीवेट करेगा बात. अगर आपने उसमें स्नेहन घी की मात्रा बहुत अच्छे से डाली है, देसी घी डाला है, तो भी तब उसके रूक्ष गुण को ये इक्विलिब्रियम में ले आएगा. क्योंकि तो जो हमें आहार देना है रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म अनिल, ये वात के गुण रहते हैं, तो इससे ऑपोजिट गुण वाले ही आहार का हमें सेवन एट द टाइम ऑफ आफ्टर द डिलीवरी पेशेंट्स को देना होता है. चित्रक का सेवन आप लगातार करवा सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ चित्रकादी वटी आप दे सकते हो, चित्रक का चूर्ण दिया जा सकता है, नागर मोथा या नागर, नागर इज अ शुंठी, शुंठी क्षीर पाक की फॉर्म में, शुंठी पाक की फॉर्म में दिया जा सकता है, लहसुन आदि क्षीर पाक इज ऑल्सो गिव्स ए वेरी गुड रिजल्ट आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि लहसुन आदि क्षीर पाक जो है ये वात को शमन करता है. सो लहसुन आदि क्षीर पाक को हम कैसे बनाएंगे? लहसुन आदि क्षीर पाक को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पिपली रसायन दिया जाता है सिमिलर लाइक दैट लहसुन आदि क्षीर पाक दिया जाता है. लहसुन आदि क्षीर पाक आप जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स को भी एडवाइस कर सकते हो जिनको मल्टीपल जॉइंट्स पेन है, या सूती का ज्वर में भी दिया जा सकता है, या पेशेंट को पहले से ही थायराइड की प्रॉब्लम है, आम आवाज की कंडीशंस है, या प्री डिलीवरीज पेशेंट को कई कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसमें भी आप लहसुन आदि क्षीर पाक का इस्तेमाल करवा सकते हो. तो लहसुन आदि क्षीर पाक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे आप 2 लहसुन लेंगे, उसमें 100 ml मिल्क डालेंगे, 200 ml पानी डालेंगे, उसको बॉइल्ड करेंगे, बॉइल करके हमें हाफ रिड्यूस करना है. जब वो 1 कप रह जाता है इसको बिल्कुल खाली पेट दिया जाता है लहसुन आदि क्षीर पाक को. क्षीर पाक लेने के बाद पेशेंट को ऑलमोस्ट 1 घंटे तक कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट ड्रग जो है वो यूज किया जा सकता है सूरा एंड आसवास. बहुत सारे आसवास क्लासिकली मेंशन किए गए हैं बट द बेस्ट आसव इज अ दशमूला रिष्ट. आसव रिष्ट अगर कोई भी प्लान करते हो तो आफ्टर द डिलीवरी दशमूला रिष्ट इज अ बेस्ट ड्रग. दशमूला रिष्ट 15 15 ml आधे गिलास पानी गुनगुने पानी में मॉर्निंग इवनिंग पेशेंट को एडवाइस किया जा सकता है. अब तीक्ष्ण ड्रग्स में अगर आपने एडवाइस करना है तो किसकी कफ प्रगति है, अगर पेशेंट की कफ प्रगति है और पेशेंट ओबेज है उस कंडीशन में हमें पिपली का सेवन करवाना चाहिए. पिपली में पिपली आदि रसायन का भी दे सकते हो आप सेवन, या डायरेक्ट पिपली के पाउडर को गर्म दूध के साथ दिया जा सकता है. अगर आप पेशेंट को पिपली आदि पाउडर देते हो तो उसको भी लेने का तरीका वही है जैसे मैं लहसुन आदि क्षीर पाक को बनाया. आपने 2 पिपली लेनी है, उसमें 100 ml वाटर डालना है, 100 ml मिल्क लेना है, 200 ml वाटर लेना है. डेली इसकी डोज को इंक्रीज करना है. आपकी पिपली की डोज इंक्रीज होगी, आपके वाटर की डोज इंक्रीज होगी, और इसके आपकी दूध की डोज इंक्रीज होगी. उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है. ऑलरेडी ऐसे फॉर्मेट्स मैंने पहले जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डे आप पेशेंट की प्रगति के अकॉर्डिंग चलिए, मिनिमम ऑफ 7 days to 15 दिन तक लेके चलिए. क्लासिकली 40 days तक बताया गया है बट अकॉर्डिंग टू द प्रगति ऑफ द पेशेंट और काल, पेशेंट कौन से एरिया में रह रहा है, उसकी सात्म्यता क्या है, उसका सत्व कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है. अगर पेशेंट सर षड रस से युक्त सात्म्य है और उसका सत्व अच्छा है तो आप उसकी डोज को 15 तक भी लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप 7 पिपली तक ही दीजिए, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता. अगर आप ज्यादा डोज में देते हैं तो ये पित्तवर्धक कर देता है और पेशेंट को बॉडी में हीट एक्सेसिव हीट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कई बार माउथ अल्सर्स भी हो जाते हैं पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अमल पित्त की कंडीशन जनरेट हो जाती है. तो इसलिए पिपली रसायन को जब भी देते हैं आप कफा
प्रगति के पेशेंट को एक अफवात जो प्रगति के पेशेंट को दीजिए और इसके डोसेज को डेली दो 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 पिपली इंक्रीज करते जाएंगे 7 डेज तक, और 7 डेज के बाद धीरे 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 इसको टेपरिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। सो हमें 15 डेज का ट्रीट मतलब प्री प्री आपके पास दिस फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए। जब आप अपने पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करोगे, जैसे आपने उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा, तो प्रिस्क्रिप्शन के पीछे आपके कितनी डाइट फॉर्मेट्स हैं या प्री प्लांट हमारे ट्रीटमेंट्स ये फॉर्मेट्स हैं उसको आप अटैच करके देंगे, सो इजी टू द पेशेंट उसको प्रॉपर फॉलो कर सकेगा। इसमें क्वांटिटी ऑफ द वाटर भी मेंशन करना है, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क भी मेंशन करना है, देन रिड्यूस टू हाफ। अगर पेशेंट 100 ml मिल्क ले रहा है तो 400 ml पानी ले रहा है उसका, सॉरी 100 ml मिल्क ले रहा है तो 200 ml पानी ले रहा है, टोटल इज 300 ml, तो रिड्यूस टू द वन हाफ। हाफ लेगा तो 150 ml तक रिड्यूस होगा। जो प्रिपरेशन आपने 1 डे स्टार्ट की है, सिमिलर प्रिपरेशन आप 7 डेज तक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लेके जाएंगे और 8th डे के बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लेके आएंगे। तो 15th डे में ये हमारा पिपली रसायन जो है वो पेशेंट पूरा ले लेगा। पिपली रसायन एक तो कफ को शमन करता है, ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज करता है, बॉडी में स्ट्रेंथनिंग देता है। सो पिपली रसायन को आप पोस्ट नेटल कंडीशन में एडवाइस कर सकते हो। इट्स ऑल्सो अवेलेबल विद द हमारी भी फार्मेसीज में आपको पाउचेज फॉर्म में मिलते हैं, कि पैकेट्स मतलब उसकी ना पुड़िया टाइप जो बोलते हैं उसके पाउचेज फॉर्म में भी आप अपने क्लिनिक्स पे बना सकते हो। सो उस पाउच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिपलीज को आप ऐड करके दे सकते हो पेशेंट्स को। नेक्स्ट जो आचार्यज ने मेंशन किया है, आप जो अपने पेशेंट्स की डाइट के बाद उसकी पर्टिकुलरली हाइजीन के ऊपर काम करना है, कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशंस को हमें रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना है, तो लोकल केयर ऑफ द वूंड्स, लोकल केयर जो वूंड्स की रहती है, फर्स्ट इज द एसेप्टिक मेथड। डिलीवरी के बाद जो हमें एसेप्टिक मेजरमेंट्स को कवर अप करना है विद द हेल्प ऑफ द हरिद्रा, हल्दी के कलक को या कुमारी की मज्जा को, जिस एलोवेरा एलोवेरा के अंदर का जो पल्प रहता है उस पल्प को आप एग्जीक्यूट करेंगे और हल्दी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे, और दिस पेस्ट कैन बी अप्लाइड ऑन द एपिस्टोमी वूंड्स, जहां पे पेशेंट को पेन हो रहा है, ये वूंड है, ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद या तो किसी का वैक्यूम डिलीवरी हुई है या फोर्सेप डिलीवरी हुई है, उससे क्या होता है कि साइड के साइड वल्वा एरिया से पूरे के पूरे रैशेज आ जाते हैं, तो उसको हमें कवर करना है, नहीं तो ये इन्फेक्शियस डिजीज बन जाती है फर्दर, पेशेंट कैन लीड टू द उसको लिकोरिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ये सर्विसाइटिस भी कई बार हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वैक्यूम डिलीवरीज में क्या होता है कि सर्विक्स टियर हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हमें हरिद्रा और कुमारी के अंदर का पल्प का पेस्ट रेगुलर 7 डेज तक पेशेंट को अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू गाइड द पेशेंट फॉर द सैनिटरी पैड, क्योंकि जो आइसोलेशन ऑफ द वुमन इज रिक्वायर्ड नाउ डेज, देर इज सो मेनी जो ये पैड्स वगैरह आ रहे हैं, इसमें कईयों में इन्फेक्शियस कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, जिससे भी पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन में वो चला जाता है, और समटाइम इट कैन लीड टू द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को भी लीड कर देता है ये। तो इस कंडीशन में यू हैव टू गाइड द पेशेंट कि किस तरह के पैड्स को उसको यूज करना है, डेली कितने पैड्स को यूज करना है, कितना इन्फेक्शन इसमें पास हो सकता है, और यू हैव टू गाइड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और नेक्स्ट इज ए मिनिमाइज द वेजाइनल एग्जामिनेशन, पेशेंट की रिपीटेडली एग्जामिनेशन को हमें मिनिमाइज करना है। हमें पेशेंट को आप स्टार्टिंग के 7 डेज तक उसको सीज़ बात देना है तो आप उसको एक सेपरेट एनीमा पोड दे दीजिए, अगर उसको प्रक्षालन करवाना है टेल द पेशेंट को, वो घर पे भी ले सकता है, और अगर आपके सेंटर पे ऐसी सुविधा है तो आप प्रक्षालन के लिए एक सेपरेट पोर्ट उसको यूज करेंगे, जो लोकल आप सब पेशेंट्स के लिए बस्ती के लिए यूज कर रहे हैं उस पोर्ट को आपको नहीं यूज करना है। सो यू शुड बी तो मिनिमाइज द इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन ना जाए, क्योंकि एनीमा पोर्ट की कॉस्ट भी बहुत कम आती है, 200 रुपीज में यू कैन बाय ए न्यू एनीमा पोर्ट आपको मिल जाता है। तो 7 डेज तक पेशेंट का प्रक्षालन आप उस एनीमा पोर्ट में कीजिए। प्रक्षालन करने का क्या विधि रहती है, एनीमा आपको सीस बाथ पाउडर का कषायम बनाना है, या त्रिफलादि कषायम ले सकते हैं, पंचवल्कल कषायम ले सकते हैं, इस कषायम को आप एनीमा पोर्ट में डालेंगे, 450 ml मिनिमम डोज और मैक्सिमम आप 1000 ml तक ले सकते हैं। टेल द पेशेंट टू सिट ऑन द वॉशरूम,
वो खुद से भी पेशेंट कर सकता है, वो वेस्टर्न पोर्ट में बैठ जाए और जितना भी वो इनेमा पोर्ट का पूरा वो पाइप रहती है उसके आगे आप कैथेटर अप्लाई करोगे, कैथेटर रेड रबर कैथेटर आप लगाओगे और उस रबर कैथेटर को वेजाइनल एरिया के अंदर इंड्यूस करना है। अगर आपने पेशेंट को अपने क्लिनिक्स पे देना है तो आप लिथोटॉमिकली पोजीशन पे पेशेंट को लेटाओगे, लेग्स एलिवेट करेंगे और जो भी थेरेपिस्ट आप खुद कर रहे हैं तो आप उसके वेजाइनल एरिया के अंदर इंड्यूस करेंगे, देन पोर्ट को जैसे आप बस्ती देते हैं उस तरह पोर्ट को आप ऊपर लेके जाएंगे और जितना मेडिसन्स है वो डायरेक्टली लोकल एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा। वो जितना भी आपका जो वेजाइनल की वॉल्स है, सर्विक्स की वॉल्स है, ये उसके सारे ही इन्फेक्शन को निकाल देगा। इसके बाद पेशेंट को अपने पिचू एडवाइस करना है। जब भी आप प्रक्षालन करते हो, प्रक्षालन के बाद आपको जेंटल पीवी, जेंटलाइज्ड टू फिंगर को वेजाइनल एरिया में इंड्यूस करना है टू चेक कि वहां पे कोगुलेशन, आपका एकोमुलेशन ऑफ वाटर या जो कषायम हमने डाला है वो रह तो नहीं गया, क्योंकि अगर वो रह जाएगा तो वो टेपर टेपर करके थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट को गिरता रहेगा। पेशेंट को फर्स्ट ऑफ डिसकंफर्टेबिलिटी होगी, सेकेंड उससे अपानवाद का विशेषण होता रहेगा, वह इन्फेक्शियस कंडीशन दोबारा से जनरेट हो सकती है। उसे माइल्ड सा पीवी करके पुश द सर्वाइकल पार्ट डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से टू फिंगर्स को पुट करके आप नीचे की तरह से डाउन उसको प्रेस करेंगे, जितना भी कषायम का एक्युमुलेशन हुआ है वो सारा का सारा आप उसको ड्रेन ऑफ बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट आपने पिचू लेना है, पिचू लाक्षादी ऑयल का किया जा सकता है या फिर आप पिचू धारण धन्वंतरम तेल से दे सकते हो, फल घृत से दिया जा सकता है। तो दीज थ्री आर द ड्रग ऑफ चॉइस जो मैक्सिमम पेशेंट्स में दिया जाता है। इसके अलावा योनि प्रक्षालन या योनि पिचू में आप अगर किसी पेशेंट का एक्सेसिव ब्लीडिंग है या सेकेंडरी हेमोरेजिस में चला गया है, उस कंडीशन में नागर मोथा के पाउडर को बॉयल करके, पीपल के पत्तों के पाउडर को बॉयल करके भी पिचू धारण करवाया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को वहां पे जैसे वैक्यूम डिलीवरी हुई और थोड़े थोड़े रैशेज आ गए हैं नीचे, सो उन रैशेज वाले कंडीशन पे हम निम्बादी घृत को भी अप्लाई कर सकते हो पिचू धारण में, या दूर्वादी घृत को। दूर्वा का मेन एक्शन जो होता है ये एंटी क्लॉटिंग काम करता है। अगर आपकी बॉडी में से कहीं से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है जिसको हम रक्त पित्त बोलते हैं, ऊर्ध्वगत रक्त पित्त, अधोगत रक्त पित्त या तिर्यगत रक्त पित्त, कहीं से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, हो सकता है आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग हो, या एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू मेनार्ची के बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेशेंट को कई बार ड्यू टू डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी आप दूर्वादी के पिचू को धारण करवा सकते हो पेशेंट को। दूर्वा का मेन एक्शन होता है एंटी क्लॉट काम करता है और इमीडिएटली ब्लड जो लोकल ब्लीडिंग होती है उसको ये स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट हमें हार्मोनल, अगर किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग है, सेकेंडरी पीपीएच में जा रहा है पेशेंट, एक सेकेंडरी उसको 3 या 4 डेज के बाद ब्लीडिंग होना ज्यादा स्टार्ट हो गई है, अगर तो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली स्टार्ट है तो यू हैव टू रेफर द पेशेंट, उसका जो मॉडर्न ट्रीटमेंट हो रहा था उसी को गो थ्रू करेंगे। और अदर पेशेंट को माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग की कंसिस्टेंसी जो है वो भी रेड कलर की है, तो उस कंडीशन में आप दूर्वादी और निम्बादी घृत का पिचू जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। इसके बाद योनि धूपन, लोकल ट्रीटमेंट्स में आप पेशेंट को योनि धूपन दिया जा सकता है। ये क्या करता है, जितने भी लैसिरेशंस हो जाते हैं आफ्टर द डिलीवरी जेंटल ट्रैक के ऊपर, इसकी प्रॉपर रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो योनि धूपन कैन बी गिवन विद द पुष्ट, अगरू और गुगुल। योनि धूपन कैसे करना है, ऑलरेडी आपने क्लासेस में रीड किया भी होगा ना, योनि धूपन के लिए आपको एक बाउल लेना है या धूपन यंत्र आता है, उसमें गुगुल, अगरू और कुष्ठ ये तीनों ही हर्ब्स को मिक्स करके आपने बर्न कर देना है। इसमें पलाश के पत्तों को भी ऐड किया जा सकता है, कर्पूर को भी आप ऐड कर सकते हो उसको बर्न करने के लिए प्रॉपर, वो जल जाए तो कपूर, हल्का सा कपूर डालेंगे वो प्रॉपर आग पकड़ लेगा, गुगुल आपका और अगरू आपका, कुष्ठ आपका, क्योंकि ये तीनों ही ड्रग्स जो है, गुगुल जो है वो वातशामक एक्ट करेगा, इससे निकले हुए फ्यूम्स आपकी वेजाइनल एरिया में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये उसको सबसाइड कर देता है। इसके लिए आपको पेशेंट को एक ऐसी चेयर पे बिठाना है जो जालीदार चेयर हो। इसके लिए आप अपने क्लिनिक्स पे जो फोल्डिंग वाली चेयर्स है उसको भी रख सकते हैं, या अदरवाइज आप वुडन चेयर को बना सकते हैं और बीच में से उस वुडन चेयर को कट कर सकते हैं, ताकि जब पेशेंट उस पर बैठे तो ऑटोमेटिकली फ्यूम्स जो है वो सारे उसकी लोअर वेजाइनल एरिया पे मिल जाए। सेकेंड,
नहीं तो आप पेशेंट को खड़ा करके भी कर सकते हैं, दोनों ही लेग्स को अपार्ट करिए। और जो आपने धूम यंत्र, मिट्टी का भी धूम यंत्र मिलता है, या आप कांसा का धूम यंत्र ले सकते हो। प्रेफरेंस तो मिट्टी के धूम यंत्र की ही रहती है, जिसको हवन के लिए भी यूज किया जाता है। सो उस हवन के यंत्रास को आप यूज कर सकते हो। आई विल शो यू द यंत्र ऑल्सो। सो उस यंत्रास के ऊपर आप मेडिसिन को डाल के फ्यूम्स पेशेंट को खड़ा करके लोअर एरियाज में वो फ्यूम्स ले सकता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, उनको मतलब एक बार एनीमा पोर्ट कैथेटर वाला दे देंगे ना, और एक बार वो धूम पा धूम जिसे हवन करते हैं। नेक्स्ट थिंग्स जो है द केयर ऑफ द ब्रेस्ट। हमें ब्रेस्ट की कैसे केयर करनी है। यस नेक्स्ट मैम, केयर करनी है ब्रेस्ट केयर। देखिए, जो भी आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाओगे उसमें आपने इन सब चीजों को पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करना होता है। सो ब्रेस्ट केयर में पेशेंट की काउंसलिंग करें ही सबसे मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि क्या होता है, अगर पेशेंट ने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छी डाइट नहीं ली है, तो स्तन रोगास, स्तन में अगर किसी को हीन लक्षण आ रहे हैं या कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो ब्रेस्ट मिल्क में हम जो बच्चे को स्टार्ट किया जाता है, एट द सेम डे आफ्टर द डिलीवरी फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। बट सेकेंड और थर्ड डे हमें एडवाइस करना चाहिए, दे कैन गिव द फीड टू द चाइल्ड। अब इसमें भी टाइम पीरियड रहता है, हर 3 3 घंटे, हर 2 2 घंटे के बाद पेशेंट बच्चे को फीड की रिक्वायरमेंट रहती है। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग भी डिपेंड करता है, जो नर्सिंग एडवाइस की जाती है। अगर आप बच्चे को लेफ्ट हैंड पे ले रहे हो, तो यू शुड पुट द वन हैंड बिलो द हेड ऑफ द बेबी, सेकेंड हैंड से आप कैच करोगे। एंड इसमें जो आपको पोजीशन ऑफ द फीडिंग के बारे में गाइडलाइन देनी होती है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइन देनी है। बिफोर गिविंग द स्तना यू शुड बी क्लीन, और डेली पेशेंट को हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए। स्पेशली ब्रेस्ट एरिया को तो प्रॉपरली क्लीन करना है। इवन दे हैव टू यूज ए त्रिफला कषायम का वो स्पॉन्ज या टावल में लगा के उसको रखे, और हैवी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उसको ब्रेस्ट को क्लीन करें। सो इससे हमें नेसेसरी टू द स्तन्य शोधक, स्तन्य शोधक अगर किसी पेशेंट को, यहाँ पे WHO ने भी एक इसको रिकमेंडेशन किया है, वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट एसोसिएशन के अंडर, 10 steps टू गिव द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। अगर पेशेंट को ब्रेस्ट पेशेंट को अगर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपने असेस करना है, तो 10 total steps पे आपको पूरा फोकस पेशेंट का करवाना चाहिए, जिसमें हम क्यूरेटिव मैनेजमेंट लेते हैं। पेशेंट की कंसिस्टेंसी हमें देखनी है, कौन सा उसको दोषास की प्रोडोमिनेंस क्या है, बात कफ में कौन सी दोषास की का उसको ज्यादा मतलब प्रोडोमिनेंट है। जो हम ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज द अभ्यंतर एंड बाहरी उपनाकर्मा, कौन कौन से उपक्रमास हम एक्सटर्नली और इंटरनली कर सकते हैं। आप इंटरनली जो खाने को ये वागु दोगे, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मंडपीय, ये वागु की फॉर्मेशंस में रहना चाहिए। 64 क्वांटिटी ऑफ वाटर, 24 क्वांटिटी ऑफ वाटर, 12 पार्ट ऑफ द वाटर, इस कंसिस्टेंसी में आपको ये वागु की प्रिपरेशन करनी है। एड पंचकोल चूर्ण इन दैट हेल्प्स इन द अग्नि दीपन में काम करेगा, वात अनुलोमन करेगा। इसके साथ साथ ये स्तन्य उत्पत्ति कारक भी है, ब्रेस्ट फीडिंग को भी इंक्रीज करता है और गर्भाशय की क्लीनिंग में हेल्प करता है।